नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्ता। आज की कुछ बड़ी खबरें जो आपके लिए लेकर आया हूं, मैं चाहता हूं कि वो आपको सुनाऊं। सोचिए, इससे बहुजन समाज को सीखना चाहिए। सोचिए, इस देश में बहुजन समाज के नेता कितना वैल्यू करते हैं पत्रकारों की, कितना वैल्यू करते हैं। और ये ब्रजभूषण सिंह ने पत्रकार की, ये इंडिया टीवी के रिपोर्टर सौरभ शर्मा की औकात दिखाई। सोचिए, इस देश के SC ST OBC नेताओं का करियर कैसे बर्बाद कर देता है मीडिया वाला। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने बिल्कुल सही सबक सिखाया। इस देश में पत्रकारों की यही विश्वसनीयता है। पत्रकारों से इस देश में कोई डरता है तो वो SC ST OBC के नेता डरते हैं, माइनॉरिटी के नेता डरते हैं। चूंकि पत्रकारिता ने अपनी साख खो दी है तो कौन इनसे डरेगा। सवर्ण समाज के नेता तो कम से कम नहीं डरते, और SC ST OBC के लोगों को भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ये लोग पत्रकार हैं नहीं बेसिकली। तो ये भी खबर है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, राजस्थान हाईकोर्ट में क्लर्क की भर्ती में, SC का जो कट ऑफ है वो गया है 202। मतलब रिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ है वो अनरिजर्व कैटेगरी से ज्यादा है, वो भी बताऊंगा, सबसे बड़ी खबर है। लेकिन वहीं कांग्रेस ने ऐलान किया कि कर्नाटक में वो बजरंग दल को बैन करेंगे। जब ये सवाल अमित शाह से पूछा पत्रकार, तो कहा कि उनको बजरंग बली से प्रॉब्लम है। तो बीजेपी कांग्रेस कह रही है बजरंग दल, बीजेपी कह रही है बजरंग बली। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए। खुफिया तंत्र का मास्टर माइंड बजरंग दल जो राष्ट्रभक्ति के भाषण देता है, उसी बजरंग दल का सदस्य इस पूरे खुफिया तंत्र का मास्टरमाइंड निकला है। ये ज्योतिराज सिंधिया है जो अब बीजेपी में है, और ये भी बजरंग बल के बारे में क्या कह रहे थे आपको सुनाया, वो भी सुनाऊंगा। हम कर्नाटक में भी योगी जैसी सरकार बनाएंगे, जो हिंदू के खिलाफ बोलेगा उसका एनकाउंटर करवाएंगे, ये बीजेपी नेता ने कहा है। पप्पू यादव ने भी एक ट्वीट किया है जो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाऊं। 90% अपराध के पीछे बिहार यूपी के प्रवासी मजदूर है। ये बयान भले गोवा के CM ने दिया है, लेकिन यह सोच बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और प्रधानमंत्री का है। इस तरह से अब हमला बोला है। और कर्नाटक में सोचिए, मायावती जी की रैली है, ये कोई बहुजन मीडिया के अलावा कोई नहीं दिखाएगा। हम लोग लगातार कोशिश करेंगे कि आप तक खबरें पहुंचाई जाए। ये देखिए, ये वैसे कांग्रेस का रोड शो है जो आपको दिखा रहा हूं। कर्नाटक चुनाव अपने समाप्त पर है, और चूंकि ज्यादातर खबरें अभी दिल्ली की चल रही है, लेकिन मायावती जी की रैली होने जा रही है 5 मई को कर्नाटक के बेंगलुरु में मायावती जी की रैली है। 7 तारीख को उनकी रैली जो है वो हैदराबाद में होने जा रही है। तो दो बड़ी रैलियां हैं BSP सुप्रीमो मायावती की। वहीं बुद्ध पूर्णिमा पर देश भर में लगातार प्रोग्राम है। बिहार में बड़ा रोड शो होने जा रहा है जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक खराब खबर है, अगर ये खबर दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये 20 करोड़ रुपए कैश, न खाऊंगा न खाने दूंगा। 20, ये पूरा मामला, ये पूरा माल 20 करोड़ है। जानते हैं CBI ने कहां जब्त किया? ये 20 करोड़ी माल जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले PSU वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के पूर्व CMD राजिंदर गुप्ता के यहां से जब्त किया है। गुप्ता जी ने खूब माल छापा, आप धरा गए। खैर, ED होती तो बढ़िया डिजाइन बनाती। 20 करोड़ रुपए कैश मिला है राजिंदर गुप्ता के घर से, 20 करोड़। तो चलिए, अगर गुप्ता जी ने इतना कमाया तो सोचिए ऊपर वाले साहबों ने कितना कमाया होगा। वैसे इतना तो पकड़ाया है, क्या पता यह सिर्फ झांकी है। और वहीं बिहार के दौरे पर जाने वाले हैं बागेश्वर धाम, उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। पहले ही तेज प्रताप यादव ने अपनी कमेटी बना ली है, वो कह रहे हैं कि इनको बाबा को यहां हिंदू मुस्लिम करने नहीं देंगे। अब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान आया है, बाबा बागेश्वर अगर गंदे काम करने आएंगे तो बिहार इजाजत नहीं देगा। अगर नफरत फैलाने आए हो तो आडवाणी भी जेल गए थे और लोग भी जाएंगे। बागेश्वर बाबा हो या कोई बाबा हो, उसके पास कोई तिलिस्म या चमत्कार नहीं है, यह लोग धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं। तो ये बड़ा फैसला लिया है बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान है। तेज प्रताप यादव ने तो कह दिया है कि बाबा को घुसने नहीं देंगे। अब ये देखिए बजरंग दल पर जो नया बयान आया है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से कांग्रेस ने कहा कि हम PFI और बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, सरकार आएगी हमारी सांप्रदायिक एजेंडा चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मंगलवार का दिन है, हम बजरंग बली को नमन करने आए हैं और कांग्रेस
जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद कर। शर्म आनी चाहिए, अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है तो बुरी तरह से मैं बोल सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं कि शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी, मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी, इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की, जिनके विषय में आपके अपने नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कहा था याद है 2017 में कि ये आईएसआई से संबंधित लोग हैं, आईएसआई सर्टिफाइड पार्टी है। फोन उठाइए प्रधानमंत्री जी और पूछिए जरा ज्योतिरादित्य सिंधिया से क्या विचार है उनके बजरंग दल के विषय में। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करें और हम बर्दाश्त कर लेंगे, ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? तो चलिए, कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण से हटकर अब फिर से धर्म की राजनीति को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है और 20 करोड़ रुपए जो कैश मिला है वो सबसे बड़ी खबर है एक आज की। तो सीबीआई ने दिल्ली, चंडीगढ़, पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और गाजियाबाद सहित लगभग 19 स्थानों पर छापेमारी की है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के तहत आने वाली बैपकोस वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी के सीएमडी राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में है। तो सोचिए, एक अधिकारी के यहां 20 करोड़ रुपए मिले हैं, ये देखिए। तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की जो सोशल मीडिया पर वायरल है, कोई और एक खबर नहीं दिखाएगा। अब अखिलेश यादव ने लगातार अब बोर करना शुरू कर दिया, वो यूपी चुनाव में बोल रहे हैं, देखिए। एक दिन पहले वहां पर एक बेटी जो बिहार से बक्सर से आई थी, तीन लोगों ने उसको घर में रखकर उसके साथ बलात्कार किया। तो यूपी में लॉ एंड ऑर्डर को, लोकल चुनाव में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बवाल हो रहे हैं और अखिलेश उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूँ, एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। डीएसपी सुप्रीमो मायावती जी की भी रैली है, बड़ी रैली है। चंद्रशेखर रावण ने भी कुछ कहा है, आप सुनिए। जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे उसके लिए हम लगातार मेहनत कर रहे हैं, आगे भी मेहनत करते रहे। हमारे तमाम नेता फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। चुनाव खत्म हो जाएगा फिर भी आपको अम्बेडकर वाली समाजवादी मिलेंगे सड़कों पे, बाकी लोग मिलेंगे घरों में, और किसी को गाली देने से, आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। जनता सब जानती है कि किसके राज में क्या हुआ, किसके राज में क्या हो रहा है। बस ये है कि अभी लोगों के लव सिले हुए हैं, वोट सिले हुए हैं, क्योंकि कलम और कागजों पे पहरा लग गया है सरकार। वो बोलेगा तो गोली से बात हो, गोली से काम थोड़े चलेगा। और अभी तानाशाही नहीं देखिए आपने, अब तो हम इनसे और लड़ेंगे, कल और आज जिनकी बात कर रहे हैं उनको छोड़ो, हम लड़ेंगे दो दिन। हमारे कार्यकर्ता मुकदमे होंगे, लाठे चलेंगी, चेल जाएंगे, आप देखना पूरे प्रदेश में होगा। ये सिर्फ यही नहीं, ऐसा रामपुर के चुनाव में भी हुआ। तो हमें लड़ना, आप बस आवाज उठाते रहे, सत्य दिखाते रहे, देखिए क्या परिणाम होते हैं। और परिणाम, जनता के परिणाम हमेशा अच्छे लोगों के फल की तरफ जाते हैं। और अच्छे लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार अब तक थी, ट्रिपल इंजन से एक इंजन इस बार अभी कम करेंगे, बाकी दो इंजनों की व्यवस्था 2024 और 27 में हम लोग करेंगे। धन्यवाद। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन तय कर लिया है और जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं उसमें दोनों पार्टी का गठबंधन जो है, और ये देखिए, हमारा प्रयास रहेगा कि जनता गठबंधन के पक्ष में समर्थन दे। तो आज ये सहारनपुर में बड़ी बैठक हुई है और ये सबसे बड़ी खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। मैं इसलिए कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और अब सबसे बड़ी खबर जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सोचिए, इस देश में किसानों को, मजदूरों को, एससी एसटी ओबीसी, गरीब सवर्णों के बच्चों की क्या दुर्दशा हो रही है, सो सोचिएगा। ग्रुप डी के एग्जाम में 2000 सीटें कम से कम कट कर दी गई, उसका भी हमने प्रदर्शन दिखाया है। और किस तरह की बेईमानी होती है इस देश में, जनरल का कट ऑफ 196, एससी का 202, ओबीसी का 230 और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 224, मतलब गरीब सवर्णों से भी बेईमानी हो रही है। तो ये सबसे बड़ी खबर थी जो राजस्थान में हाईकोर्ट के क्लर्क की भर्ती से खबर है। ये वो खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, ये वो खबरें हैं जो कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की रैली,
5 तारीख को बेंगलोर और 7 तारीख को हैदराबाद में है, वही बिहार की राजधानी पटना में। आपको बता दूं कि 5 को बुद्ध पूर्णिमा को बड़ी एक रैली निकलने वाली है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।